हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे थर्मोमीटर का कैसे करेक्ट यूज़ किया जाता है। तो गाइस, मेरी एक अनबॉक्सिंग वीडियो है और इसी के साथ सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग थी वो थी कि आप सस्ता कैसे खरीद सकते हैं इसे मात्र 150 रुपये या 200 रुपये तक की रेंज में, क्योंकि इस टाइम गाइस बहुत ही ज़्यादा महंगा है और ये अभी आने वाले इस महीने तक कोई हालात ठीक नहीं होने वाले। तो यहाँ पे गाइस वीडियो लिंक आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कैसे आप सस्ता खरीद सकते हैं। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे सस्ता लिंक, मतलब आप जहाँ से सस्ता खरीद सकते हैं वो लिंक भी मैंने दिया है, तो उसी वीडियो में मिलेगा। इस पे नहीं है बहरहाल। और यहाँ पे गाइस अनबॉक्सिंग का कोई ज़्यादा मेरा एम नहीं है, बस ये था कि वो वीडियो थोड़ी ज़्यादा डिले होती जा रही थी, लोगों की कमेंट भी आई। तो यहाँ पे गाइस पहले तो इसकी प्रोटेक्शन को लेके बात करूँ तो प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी है, कवर किया गया है चारों तरफ से और ऐसे ही होना चाहिए कि मॉइस्चर ना जाए, क्योंकि मॉइस्चर जाने से ही ये चीज़ें खराब हो जाती हैं। एक छोटी सी सर्किट प्लेट लगी होती है। और यहाँ पे गाइस कागज़ का ना ये फ़ायदा है कि कभी वैसे तो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, मैं आपको बता दूँ, इस पर यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि कैसे आपको यूज़ करना है। और यहाँ पे ये लोअर दे रखा है, सेंटीग्रेड में लिख रखा है, फ़ारेनहाइट में लिख रखा है। बहुत ज़्यादा लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि कैसे सेंटीग्रेड में फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में चेंज करते हैं। तो गाइस मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊँगा इसी में। सबसे पहले बेसिक चीज़ बता देता हूँ आपको, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग भी है। तो ये है गाइस, इसे पहले ऑन करते हैं, डायरेक्टली जो होता है वो सब कुछ दिखा देगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है लो टेम्परेचर, लो है कि अभी मैंने टच नहीं किया है। और इसे मुझे थोड़ी देर होल्ड करके रखना पड़ेगा ऑन पे, और यहाँ पे ऑन जैसे ही होगा तो वो सेंटीग्रेड में चेंज हो गया, यहाँ पे सेंटीग्रेड में चेंज हो गया है। और इसे थोड़ा सा दबाते हैं तो आवाज़ करता है, हर बार में ऑफ हो गया और फ़ारेनहाइट में चेंज हो गया। तो यहाँ पे गाइस पहली बार इसका करेक्ट यूज़ बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं। कोई इस तरीके से मतलब कपड़े के अंदर बगल में रख लेता है, कोई पेट में रख लेता है, कोई गर्दन पे यूं दबा के बैठ जाता है, कोई जीभ के ऊपर रख लेता है, कोई कान में तक भी डाल लेते हैं गाइस, मतलब और कुछ तो उंगली से भी काम चला लेते हैं कि पता चल जाए कि बॉडी टेम्परेचर मेरा कितना है। तो गाइस ये चीज़ें दोनों गलत हैं। और यहाँ पे गाइस जो करेक्ट थिंग है मैं आपको बता दूँ, ठीक हमें जीभ के नीचे रखना है, ऐसे बीप देने लगता है और मेरी बॉडी का टेम्परेचर जो दिखा रहा है गाइस 97.9 दिखा रहा है। तो 98.6 तक आपको कोई फ़ारेनहाइट में गाइस कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जो कि आप इजीली, कोई बुखार की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, शरीर का जो टेम्परेचर है बिल्कुल स्वस्थ है। अब देखते हैं फ़ारेनहाइट्स में, तो मतलब फ़ारेनहाइट्स में देखा है हमने, अब देखते हैं सेल्सियस में कि कितना आता है। तो
यहाँ पे जो टेम्परेचर दिखा रहा है 36.6 सेंटीग्रेड दिखा रहा है, और इसका मतलब ये है कि गाइज आपका 37 से लेके 37.23 भी हो जाता है, तो बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल सही है, बट ये कि 38 तक पहुंच जाता है, तो आपको फीवर है तो आपको चेक करवा लेना चाहिए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, सबसे अच्छे डिवाइस होते हैं और इसे और किसी तरीके से यूज़ नहीं किया जाता है। आप पानी में डाल लें ये, क्योंकि यहाँ पे सर्किट लगा होता है, हल्की सी बूंद इस पर भी चली जाए तो ये ख़राब होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो गाइस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का, और सिर्फ जीप के नीचे प्रॉपर ही लगाएं, ऊपर भी ना रखें, साइड में भी ना, इधर नहीं उधर, बस जीप के नीचे, क्योंकि जो जीप का टेम्परेचर होता है हमारे बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर के बराबर होता है। तो ये हम जीप के इस वाले हिस्से में रख के और बॉडी का टेम्परेचर करेक्टली नापते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है गाइस, ये धोखे से भी गलती नहीं करनी है फीवर के मामले में, क्योंकि इस टाइम जो वैसी परेशानी की बात चल रही है तो उस चीज़ का मजाक ना बनाएं और प्रॉपर तरीके से यूज़ में लाएं। तो गाइस यही था फिलहाल तो, कि आप कैसे थर्मामीटर का करेक्टली यूज़ करते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।